हेलो हाय एंड वेलकम टू अवर चैनल सम स्टडी। आज हम इस वीडियो में मिशन सागर के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम मिशन सागर के जो दो संस्करण हैं यानी कि मिशन सागर वन और सागर टू के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सागर वन कब स्टार्ट किया गया था, इसके हेल्प से इंडिया को क्या लाभ मिलेगा और सागर का फुल फॉर्म क्या है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए बात करते हैं मिशन सागर के बारे में। तो सागर का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन होता है। तो सागर का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन होता है। दिस मिशन प्रपोजल गिवन बाय मोदी जी ऑन 12 मार्च 2015 12 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस मिशन का प्रपोजल दिया गया था। दिस मिशन इज हेल्डिंग एट इंडियन ओशन रीजन यानी कि हिंद महासागर रीजन में इस मिशन का शुरुआत यानी कि इस मिशन को कंडक्ट इंडियन ओशन रीजन में किया जाएगा। आगे आने वाले स्लाइड में हम इंडियन ओशन रीजन कौन कौन रीजन इंडियन ओशन में के अंडर आता है उसको हम देखेंगे। तो सागर का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन होता है। तो चलिए बात करते हैं मिशन सागर के और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इन मिशन सागर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर इन्वॉल्व यानी कि जो डिफेंस मिनिस्टर यानी कि राजनाथ सिंह और एस जयशंकर इस मिशन में इन्वॉल्व हुए थे। इंडियन ओशन रीजन यानी कि IOR में टोटल 10 कंट्री भाग लेते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया आता है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मडागास्कर, सोमालिया, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यमन यानी कि 10 कंट्री इसमें भाग लेते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए IOR जो कि IO10 की तरह दिख रहा है, तो इसमें IOR यानी कि इंडियन ओशन रीजन में टोटल 10 देश आते हैं और इसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ने भाग लिया था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए हम बात करते हैं मिशन सागर वन के बारे में। इन द मंथ ऑफ मई 2020 के मई के माह में INS केसरी यानी कि इंडियन नावल शिप केसरी के द्वारा 600 टन की फूड जो कि दक्षिणी हिंद महासागर रीजन में भेजा गया था। टू मेडिकल असिस्टेंस टीम्स एंड एसेंशियल मेडिसिंस डिस्पैच्ड बाय इंडिया टू साउदर्न इंडियन ओशन। दो मेडिकल असिस्टेंट टीम और एसेंशियल मेडिसिन को डिस्पैच्ड मतलब भेजा गया था भारत के द्वारा टू साउदर्न इंडियन ओशन यानी कि दक्षिणी हिंद महासागर रीजन में जो कंट्री बसते हैं उनको एसेंशियल मेडिसिन और दो मेडिकल असिस्टेंट टीम भारत के द्वारा भेजा गया था। कब? मई 2020 को। तो किस नावल शिप के द्वारा? INS केसरी के द्वारा। अगर हम बात करेंगे मिशन सागर वन के बारे में तो इसमें टोटल 5 देशों को मेडिकल असिस्टेंट और फूड वगैरह भेजा गया था, जिसमें मॉरिशस, मालदीव्स, मडागास्कर थे और सेशेल्स और कमोरोस देश थे। अगर हम बात करें मिशन सागर टू के बारे में तो इसमें टोटल 4 देशों को मेडिकल फैसिलिटी और फूड वगैरह भेजा गया था भारत के द्वारा, जिसमें साउथ सूडान और सूडान, जिबौती और एरिथ्रिया हैं। तो इन सभी देशों को भारत ने मेडिकल असिस्टेंट और जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल फूड वगैरह भेजा था मिशन सागर के तहत। तो मिशन सागर वन जो कि मई 2020 में शुरू किया गया था और मिशन सागर टू जो कि अभी यानी कि 2 नवंबर 2020 को शुरू किया गया है। तो चलिए बात करते हैं मिशन सागर दो में किन किनों ने भाग लिया था। इसमें जिबौती के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स सेक्रेटरी जनरल और सॉलिडिटरी ऑफ जो जिबौती के हैं उन्होंने भाग लिया था। इसमें इरफान अली अहमद भी भाग लिए थे और इसमें
भारत से जिबूती के ब्रांड एम्बेसडर अशोक कुमार जी और INS ऐरावत यानी कि जो मिशन सागर में भाग लिया था, तो INS ऐरावत के कमांडर प्रसन्न कुमार जी भी भाग लिए थे, जिनको आप बाईं तरफ की इमेज में देख सकते हैं और दाहिनी तरफ के इमेज में आप INS यानी कि इंडियन नेवल शिप ऐरावत को देख सकते हैं। ऐरावत का मतलब एलिफेंट होता है, तो बाईं तरफ के इमेज में आप एक हाथी को देख सकते हैं, तो हिंदी में हम इसको ऐरावत कहते हैं। तो ये जो शिप है इसको हम INS ऐरावत कहते थे। तो आपको इन सारे पॉइंट को याद रखना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं। इसका कारण हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिले। पुराने वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।